हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं वेज पुलाव। बहुत ही खिला खिला और एकदम रेस्टोरेंट के जैसा पुलाव बनाकर तैयार करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही रिच पुलाव बनके तैयार होगा। ऐसा पुलाव आप घर पर कभी नहीं बनाते होंगे। और ऐसी नई नई रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 कप बासमती राइस और इसे 15 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे। तो जब भी आप चावल बनाएं तो उसे पहले 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दीजिए। इससे चावल जल्दी से पक जाता है और डाइजेस्ट भी आसानी से हो जाता है। अब हम एक बर्तन में पानी उबाल लेंगे। लगभग 2 ग्लास पानी को हमने बॉईल कर लिया है और अब हम इसके अंदर अपना ये भीगा हुआ चावल डाल देंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक और इसे 4 से 5 मिनट तक उबलने देते हैं। यहाँ पर फ्लेम को हम हाई रखेंगे। तो हमें राइस को यहाँ पर हाफ कुक करना है, उसे पूरा नहीं पकाना है। जब 5 मिनट हो जाएंगे तो हम गैस को बंद कर देंगे और एक छलनी से चावल को छान लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी सारा हमें निकाल देना है। अब हम एक पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। फिर इसमें डाल देंगे पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स। ये 150 ग्राम पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है मैंने, अब ये डाल देते हैं। पनीर जो है वो सभी को बहुत टेस्टी लगता है और पुलाव में तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। इससे आपका जो पुलाव है देखने में भी अच्छा दिखता है और उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। अब इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, तो बीच बीच में हम इसे पलटते जाएंगे ताकि कहीं ये जल ना जाए। तो ये देखिए, जो हमारा पूरा पनीर है ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। अब हम लेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हमें चाहिए 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग, 10-12 काली मिर्ची, 2-3 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज पत्ते। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। और फिर इसके अंदर डाल देंगे 10-12 काजू। काजू जो है वो हमारे पुलाव को काफ़ी रिचनेस देंगे, दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा हमारा पुलाव और साथ ही साथ काजू टेस्टी तो होते ही है। यहाँ पर फ्लेम को आपको लो ही रखना है क्योंकि काजू जो है बहुत जल्दी से जल जाते हैं। इन्हें भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब जो हमारा घी बचा हुआ है कढ़ाई में, उसी में आप चाहें तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं या फिर 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लीजिए। इसमें हम डाल देंगे अपने खड़े मसाले और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम का आप ध्यान रखें, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना करें, इसे लो टू मीडियम ही रखें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटे साइज का प्याज कटा हुआ और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची स्लिट की हुई, ये देखिए थोड़ा सा लंबा लंबा काटना है हमें इसे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने इसमें। अब हम इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना इसे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी उबले हुए मटर, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें कच्चे मटर ना डालें क्योंकि वो गलेंगे नहीं तो आपका पुलाव टेस्टी नहीं बनेगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसे हम एक बार थोड़ा सा मिला लेते हैं। और अब इसके अंदर डाल देंगे अपना उबला हुआ राइस। फिर इसको हल्के हाथों से मिला लेंगे। इसे आप थोड़ा सा केयरफुली करें क्योंकि जो हमारा चावल है वो पका हुआ है तो इसके दाने टूट सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो ये जो हमारा पुलाव है ये पक के तैयार है।
एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो पुलाव है उसमें नीचे पानी ना हो। अगर थोड़ा पानी रह जाता है तो आप इसको हाई फ्लेम करके थोड़ा सा जल्दी से इसके पानी को उड़ा सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने रोस्टेड पनीर और काजू। अब हम इनको भी इसके अंदर मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पुलाव है बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही रिच, बहुत टेस्टी पुलाव बनके तैयार हुआ है। एकदम खिला खिला है, देखिए एक एक दाना खिला हुआ है इसका। बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगी है लेकिन ये टेस्टी भी उतना ही है। तो इसे आप एक बार ज़रूर से बना के ट्राई कीजिए। ऐसी अगर कोई और अच्छी अच्छी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।